हेलो दोस्तों, मैं हूं उमेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन कंप्यूटर चैनल में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसे आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें अच्छे से वीडियो डालते रहते हैं जो कि हिंदी में रहते हैं और फ्री होते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, CSE, टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया से जुड़े सब वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और आप सब्सक्राइब कर लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बैंक, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग क्या है, उसको कैसे अपने काम में लाते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम गूगल में जाते हैं। गूगल में टाइप करते हैं बैंक ऑफ इंडिया नेट बैंकिंग। टाइप करते ही आपका बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेट बैंकिंग रिटेल, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपका ये खुल जाएगा। तो दोस्तों, हमने आपको बता दिया था पहले का वीडियो में कि नेट बैंकिंग करने के लिए आपको आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो आप मेरा पहला वीडियो देख लें जो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसका लिंक तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर आप अपना आईडी और नीचे पासवर्ड, आईडी डालें, पासवर्ड डालें और सबमिट, सबमिट पे क्लिक करें। दोस्तों, क्लिक करते ही आपका दिखाएगा लॉगिन पासवर्ड समाप्त होने की अवधि, ट्रांजैक्शन पासवर्ड समाप्त होने की अवधि, ये सारा चीज आपको दिखाया जाए। आपका बचत खाता, चालू खाता, ऋण खाता, ये सब आपके डिटेल्स इसमें आ जाएंगे, आपके नेट बैंकिंग में आपके आ जाएंगे ये सब। तो आप यहाँ खाता अकाउंट लिखा हो, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते हैं आपका यहाँ पर दिखाएगा सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, आप अपने जितना भी अकाउंट है आपका सभी यहाँ से आप एक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट, यहाँ पर क्लिक, गो पे क्लिक करें, आपका डिटेल्स पूरा दिखाएगा। तो हम अभी पूरा आपको नहीं बताने जा रहे हैं, अभी आपको शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, अगला वीडियो में हम आपको पूरे अच्छी तरह से समझा देंगे। तो ये खाता में, अकाउंट में आपको ये चीज़ देखना है। उसके बाद आते हैं आपको लेन देन, लेन देन में ट्रांसफ़र में आपको है IMPS पेमेंट, RTGS पेमेंट, NEFT पेमेंट, ये सारा चीज़ आप थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र ये सब कर सकते हैं। जैसे इसमें माई अकाउंट हो गया फ्रॉम, और किसे भेजना है टू, ऊपर अपने अकाउंट लिखे, नीचे जिसे भेजना है उस अकाउंट को लिखे, यही सब इसमें है। अमाउंट लिखे इसमें कितना डालना है और ट्रांसफ़र पर क्लिक करते हैं। ये सब आगे के वीडियो में हम बताने वाले हैं, ये लेन देन ट्रांसफ़र में होगी। इसके बाद आगे चलते हैं टैक्स, प्लीज केयर, आप यहाँ से टैक्स भर सकते हैं, गवर्नर टैक्स, डायरेक्ट टैक्स पेमेंट, ये सब IT रिटर्न फाइल ये सब कर सकते हैं। फिर अनुरोध में आपका चेकबुक स्टेटस इंक्वायरी कर सकते हैं, चेकबुक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन चेकबुक मंगा सकते हैं, फिर ATM कार्ड होट, पिन चेंज, पिन रिसेट, ATM कार्ड की पिन रिसेट कर सकते हैं। मतलब आप जितना भी आपका बैंक का काम है आप सभी नेट बैंकिंग द्वारा घर से ही कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं विकल्प, विकल्प विकल्प आपको है चेंज इंटरनेट लॉगिन पासवर्ड, चेंज ट्रांजैक्शन पासवर्ड,
यहाँ से आप लॉगिन पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतनी ही, आगे के वीडियो में हम बताएंगे कैसे ट्रांजैक्शन करना है और कैसे लेन देन करना है। तो दोस्तों आगे का वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुँच जाए। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए, सीखते रहिए।